नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा। वक्त हो गया है कुछ ताजा तरीन खबरों का। चित्रकूट में पिता ने अपनी 20 वर्षीय बेटी को लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। युवती सुबह किसी से फोन पर बात कर रही थी, तभी उसके पिता ने उसको फोन से बात करते देख लिया। वह भड़क गया और उसकी लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। मामला मानिकपुर के मजरा चमारूवा गांव का है। आरोपी पिता बबोचा पेश से किसान है। उसकी दो पत्नी थी। पहली पत्नी की 4 साल पहले मौत हो गई थी। उससे एक बेटा और बेटी थी। बेटी नीतू को आज उसने मार डाला। दूसरी पत्नी आंख से देख नहीं सकती। उसके दो पुत्र हैं। मृतक युवती शुरू से ही पढ़ाई नहीं की। मृतक युवती का बड़ा भाई जगनपुरे में मजदूरी करता है। वह मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अतुल शर्मा ने कहा, सुबह सूचना मिली कि एक युवती की हत्या कर दी गई है। मौके पर निरीक्षण किया गया। पहली नज़र में पाया गया कि हत्या युवती के पिता ने की। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद हत्या की सही कारणों का पता चलेगा। सर, एक लड़की की हत्या का मामला प्रकाश में आया है, क्या मामला है, क्या कार्रवाई? देखिए, ये थाना रायपुरा अंतर्गत आज सुबह हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक महिला एक लड़की की डेड बॉडी जो है उसको मारकर यहाँ पर हत्या कर दी गई है उसकी, और यहाँ पर उसकी डेड बॉडी है, जिस पर कि तुरंत थाना पुलिस पहुँची है। ये गांव है, इटवा का मजरा है, चमरुआ पुरवा, जिसमें कि इस लड़की की सुबह आकर इसकी डेड बॉडी हम लोगों द्वारा इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया जो जांच की गई है उसमें पता चला है कि लड़की को इसके बाप द्वारा ही मारपीट कर इसकी हत्या की गई है। अभी इसके बाप जो है वो फरार चल रहा है। हम लोग अभी इसमें तहरीर ले रहे हैं, इसमें मुकदमा भी पंजीकृत करा कर हम लोग। सर, किस कारण से हत्या की गई है? देखिए, अभी इसकी जाँच चल रही है और तहरीर मिल जाएगी, हम लोग मुकदमा दर्ज करेंगे और उसके बाद जाँच में निकल के आएगा। अभी कारणों का भी स्पष्ट नहीं है क्या कारण रहा है।